भी आपने गीली हैंडी को टच किया है, नहीं ना, ये नहीं है कि पूरी ये चिपक जाए, तो इसे समझ में आएगा कि गीली है, हाँ पता चल रहा है, तो चलो इसे टच कर लो, एक बार टच कर लगा, इसको इसे पूरा किया है, उसके बाद यहां पे तो यहां पे गया है, सारे चिपक गया है, यहां पे भी देख सकते हैं, इसे इसे कर ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग, हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ आप सबकी ही रिक्वेस्टेड वीडियो ही शेयर करने वाली हूँ, और आज की रिक्वेस्ट वीडियो है कुछ समथिंग सेम से कुछ डिफरेंट। डिफरेंट क्या है वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट क्या है। फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट तो हैंकी टकिंग की है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो हैंकी टकिंग पर अपलोड करी है, आप देखना जरूर, आपको वॉच नहीं करते हो, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स ये शायद मेरी हैंकी टकिंग की फोर्थ या फिफ्थ वीडियो, फिफ्थ ऐसे कुछ होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी हैंकी टैकिंग साड़ी, लो वेस्ट साड़ी पे हैंकी टैकिंग की ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी हूँ बहुत सारी, तो आप लोग जरूर एक बार वॉच करना जिन्होंने नहीं वॉच किया हो। और बाकी आज जिन फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी उनका कहना था कि मैं सिल्क साड़ी पे कॉटन हैंकी टक करूँ और लास्ट में मुझे गीली हैंकी को करके गीला हैंकी करके टक करना है। तो फिलहाल तो देखो मैंने इस तरीके से सिल्क साड़ी, ये जो साड़ी का लुक है ये लुकिंग लाइक सिल्क साड़ी है, देख सकते हो आप, इसका जो स्टफ है वो लगभग सिल्क जैसा ही, तो यहाँ पे मैंने वेयर कर ली है विद बेल्ट, बेल्ट वाला इसका ब्लाउज है, इस तरीके से मैंने वेयर कर लिया है, और इस पे ही मैं हैंकी टैकिंग स्टाइल में शेयर करनी है मुझे, और स्टाइल हैंकी टैकिंग की, और साथ ही गीली हैंकी करके उसकी वीडियो बनाया। इसकी जो रिक्वेस्ट थी उसमें सिल्की हैंकी साथ उन्होंने कहा कि लास्टली मुझे जब वीडियो लास्ट में दो तीन स्टेप गीली हैंकी के शेयर करनी है, तो आज हैंकी के शेयर करने, तो आज मैं सूखी हैंकी के साथ गीली हैंकी भी वेयर करूंगी, उसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, गीली हैंकी टैकिंग वेयर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। अब क्या करें, गीली हैंकी तो कोई टक नहीं करता, लेकिन अब फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट है ना तो करनी पड़ेगी ना, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना ज्यादा टाइम लेते हुए, और आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स लोग की रिक्वेस्टेड जो वीडियो है वो वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आएगी वीडियो तो लाइक करना और फ्रेंड्स लोग के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मुझे कॉमेंट में जरूर लिख देना कि वीडियो कैसी लगी। अब है कि जिसकी रिक्वेस्ट होती है वो तो वीडियो वाच है, पर जिनकी रिक्वेस्ट नहीं होती नहीं वाचते, मैं आप लोग की रिक्वेस्टेड वीडियो बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को शेयर किया करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर किया करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट आप लोग का इस तरीके से प्यार भरा सपोर्ट मिल सके। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा था ब्लू कलर की हैंकी मुझे, तो ये रही है हैंकी मेरे पास ब्लू कलर की है। एक्चुअली पहले उन्होंने जिग जैक शेप में कहा, तो मुझे जिग जैक शेप में नहीं मिला, तो मैंने उनसे लाइन में पूछा भी था, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि कॉटन हैंकी चलेगी ब्लू कलर की। और आप लोग कलर बताते ना, तो यार फ्रेंड्स ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार ना कलर मिलते नहीं है, तो आप लोग बस बताया करो टॉपिक इस तरीके से है या ऐसे करना है, बाकी बहुत चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। मार्केट जाती ना मैं भी ऐसे लगता है कि खोजते रहो, लोगों को भी लगता है कि इस किस पर्पज इनको एक ही कलर की हैंकी इस तरीके से चाहिए। तो चलो अभी फिलहाल तो पहले मुझे ड्राई हैंकी को ही टक करना है, उसके बाद वेट करके मतलब गीला करके, तो फिलहाल तो देखूं मैं ऑलरेडी हैंकी टकिंग स्टाइल शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जब कोई कहता है ना तो अलग समझ नहीं आता किससे, तो चलो उसी का कुछ मिलता जुलता कुछ न्यू टाइप का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखो मेरी हैंकी इस तरीके से पूरी खुली है, इस हैंकी को मैंने न्यू लिया है, क्योंकि वैसे तो लगा था साड़ी पे जाना है तो कहीं तो फिर हैंकी टकिंग तो करनी ही पड़ेगी, भाई जाऊँगी साड़ी पहना है तो मुँह तो कोई साफ करना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके किया है, बीच में ना इस वाले को इसको तो फोल्ड कर दिया है, उसके बाद इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और यूं टक करूंगी। थोड़ा सा फ्रेंड्स कैमरे का प्रॉब्लम हो जाता है सेटिंग वाला, तो थोड़ा हो नहीं पता, तो ये देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे सुपता था ये वाला, ये इस क्रॉस ऊपर चल जाएगा, ये न्यू है क्योंकि ये पहले मैंने नहीं शेयर किया, इस तरीके से टक कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। आप चाहो तो इस तरीके से भी टक कर लो, ठीक है, और इस चाहे तो ये मैंने इस तरीके से फोल्ड किया ही है, तो आप यूं भी टक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, हाँ इस तरीके से भी टक कर सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है इस तरीके से भी टक कर सकते हैं। दूसरा बताती हूँ कुछ मिलता जुलता, यार मुझे भी समझ में आता है कि टकिंग तो लगभग लगभग सब सेम ही होते हैं, लेकिन आप लोग का कहना है कुछ अलग तो फिर अलग ही ट्राई करते हैं। तो ये जो हैंकी है मैं इसको फोल्ड नहीं करने ज्यादा, सीधी हैंकी को लिया है, सीधी हैंकी को हल्का सा यूं हल्का सा लेके ज्यादा उसको फोल्ड नहीं करूंगी, इस तरीके से है जो इस तरीके से बन जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद इसको इस तरीके से लाके हम यहाँ पे टक लेंगे, थोड़ा फैला फैला, ये भी न्यू है, ये थोड़ा फैला फैला भी दिखेगा और हैंकी दिखेगी भी, ठीक है इस तरीके से, ओके। तो मैं अभी फिलहाल लेफ्ट साइड दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने साड़ी जिस तरीके से वेयर की है लेफ्ट साइड, राइट साइड तो पॉसिबल नहीं, तो ये लेफ्ट साइड ही मैं आपको दिखा सकती हूँ, इस तरीके से आप टक सकते हैं, देखिए और कितना अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे फोल्ड स्टेप में आ जाए बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो चलो तो फ्रेंड्स ये थर्ड है, थर्ड वाला मैं आपको बताती हूँ थर्ड में क्या करना है, तो ये हैंकी को सीधा लिया है और थर्ड के लिए मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश तो मेरी न्यू करने का ही है बेटा, देखते हैं, हाँ तो इस हैंकी को इस तरीके से लिया है, इसको इसे पूरा किया है, हाफ हैंकी से पूरा लिया है इस तरीके से, हाफ फोल्ड कर दिए इस तरीके से, ये आ गया आपका इधर, तो चाहे आप अंदर की साइड से करो अगर आपको लगता है कि कलर नहीं, ऐसे ही सही, ये इधर से कर लिया
और उसके यूँ इसको लिया है, ठीक है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा आपका। हाँ, तो ऐसे फोल्ड किया है, मीन्स एक सिंपल हैंकी लिया है, पूरा फोल्ड, हाफ फोल्ड किया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से इसको, इस तरीके से इसको ऐसे घुमा के इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और इसका ये दोनों से इस तरीके से निकलता हुआ आएगा और ये खोल लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड, ये थर्ड नंबर है, यहाँ पे टक कर लेंगे, ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा है, थर्ड नंबर, ओके। तो अभी चलो मैं आपको बता दूँ, ठीक है, फोर्थ में तो यूँ हैंकी को जैसे मैंने फोल्ड किया था इसको ऐसे ही रखेंगे फोर्थ के लिए। तो हो गया ये फोर्थ में, पहले हम लोग पंखे बनाते थे ना ऐसे कागज से, बहुत दो लोगों ने खेला हुआ, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग करते थे ना, इस तरीके से फिर ऐसे ऐसे करते थे। तो मैंने यहाँ पे इसको यूँ लिया है, हाँ, सारे वैसे ही पंखों की तरह फोल्ड कर लिया। और इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे एक पिन भी लगा सकते हो, मतलब सिक्योर करने के लिए पिन लगा लें, और इस तरीके से दोनों हैं, ठीक है, इसे दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे ताकि छूटे ना, इस तरीके से, ठीक। और ये रहा यूँ, और ये रहा यूँ, और ये काफ़ी अच्छा। आप अगर यहाँ पे पिन से टक करते तो भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप चाहो पिन का यूज़ ना करना पड़े तो इस तरीके से आप इस तरीके से टक लें, देखिए, देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू है, डिफरेंट है पिछली बार से, पिछली बार में इसको नहीं सीखा, इस तरीके से टक कर लिया, ठीक है, ओके। अभी निकालते हैं दूसरा, मैं दिखाती हूँ फिफ्थ नंबर, ये लास्ट, उसके बाद मैं गिली हैंकी से टकिंग करूँगी, ठीक है, क्योंकि क्या क्या करूँ। तो इस तरीके से लिया हैंकी को, नॉर्मल पकड़ा है उसको, यूँ पकड़ लिया है, और यूँ सीधा ये आपका आराम से बन जाता है, जब आप इस तरीके से करते ना तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और इसको ला के हम यहाँ पे यूँ टक कर लेंगे, तो कितना प्यारा सा लग रहा है, फ्लावर की तरह फूला फूला, देख सकते ना, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, अभी इसको निकालते हैं, ठीक है। तो लास्टली उनका था फाइव स्टेप हैंकी स्टाइल के टकिंग के आपके साथ शेयर करी है। लास्ट उनका कहना था कि जब लास्टली हैंकी मैं निकालूँ तो इसको गीली कर दूँ, तो मैं इसे भी गीली करके लाती हूँ, टकिंग करती हूँ। तो क्या फ्रेंड्स, कभी आपने गीली हैंकी को टक किया है? नहीं ना, ये रही हैंकी पूरी गीली है, देख सकते हैं आप, ये पूरी गीली है, और इसे आज मैं करने वाली हूँ टक। मतलब आपने सुना तो होगा सूखी हैंकी तो गीली है, अब इसको पता, आप सोचोगे कैसे था, ये देखो इस तरीके से ये चिपक जा रही है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये गीली है, हाँ पता चल रहा है। तो चलो अभी मैं इसको आज टक करूंगी और दिखाऊंगी कि हाँ हम चाहे तो गीली हैंकी को भी टक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें ये भी कि गीली हैंकी, तो गीली हैंकी तक क्यों करेंगे, मीन्स कभी आपका फेस आपको लगता है ड्राई ड्राई लग रहा है, मतलब गर्मी बहुत है, तो इस तरीके से हम गीली हैंकी को भी वेयर कर सकते हैं। तो ये रहा मैंने गीली हैंकी को ली है, और यू इसे सिंपल वे में ही लेंगे, इस तरीके से लिया है, इसको ऐसे किया है, थोड़ी चिपकी अपने आप बन गया है डिजाइन, ये किस स्टाइल बन चुकी है इस तरीके से। और ये सिक्स नंबर है जो मैं गीली हैंकी के साथ यूँ ले आई, और यहाँ पे इस तरीके से टक लग कर लो, ये तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, गीली गीली हैंकी कभी आपने टक किया नहीं, तो आज मेरे साथ ये स्टाइल देखो कि आप यू भी देखो कि आप इस तरीके से गीली हैंकी भी टक कर सकते हैं, फिर आपने गीली हैंकी को टक किया है, ठीक है, गीली है। उसके बाद मैं इस पर एक और आपको बता दूँ ताकि मेरे सेवंथ एटलीस्ट स्टेप कंप्लीट हो जाए। तो इस गीली हैंकी में वैसे सच्ची बिकाऊँ तो बहुत अच्छा बन भी जाएगा, ये देखो क्योंकि ये पूरी तरीके से चिपक जा रही है ना। तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कभी क्या किसी ने गीली हैंकी ऐसे तक किया है, नहीं किया है तो ट्राई जरूर करना। तो ये रही गीली हैंकी, क्योंकि आपको अंदाज पता चल रहा बिकॉज सूखी हैंकी और सूखे में और गीले में पता चलता रहा। और इसको मैं यहाँ पे टक करती हूँ, तो ये देखो मैंने गीली हैंकी को टक कर लिया है, ये गीली हैंकी का सेकंड स्टाइल है, ठीक है, ओके, ठीक है फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग की जो रिक्वेस्ट थी कि गीली हैंकी को भी टक करना, तो सो मैंने करा, आप लोग की रिक्वेस्ट को पूरा किया। वैसे तो गीली हैंकी जल्दी कोई वेयर नहीं करता, हाँ, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट थी तो मुझे करना ही था, क्योंकि अधिकतर लेडीज जो होती हैं वो सूखी हैंकी ही वेयर करती है, बिकॉज उन्हें बाहर जाना है, तो गीली हैंकी, हाँ, वहां जाके उन्हें जरूरत है तो कर लिया। और बाय द वे, अगर आपको लगता है कि आप हवा में चल रहे हो और साथ में आपको जरूरत थी आपने गीला किया, तो हाँ यूँ टक कर लेंगे, सूख तो जाएगी बट एक बार तो फीलिंग स्कूल कूल आएगी, हाँ, और गर्मी में तो चल जाता लेकिन ठंडी में ओ माय गॉड कोई नहीं लगाएगा गीला है कि साड़ी में, लेकिन आज मैंने ट्राई किया। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आज की वीडियो आप सबको ये गीली है कि टकिंग का कैसा लगा, जरूर लिखना। उस फ्रेंड से खास कर रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट जरूर लिख देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आशा करती हूँ कि जो आज की ये हैंकी टकिंग की, सूखी और गीली हैंकी टकिंग की वीडियो थी, वो आपको जरूर पसंद आई होगी और सारे फ्रेंड्स को पसंद आएगी। और उम्मीद पूरी है कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स जरूर दिलाओगे, बिकॉज वीडियो तो बनाते फ्रेंड्स टाइम तो लगता है, आपको पता ही है, और उम्मीद भी बहुत रहती है आप लोगों से, लेकिन जब उस मतलब ये रहता ना, जरूरी नहीं है कि मैंने एक ही रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई तो आप लोग नवाज को, पर आप लोग अपना प्यार नहीं देते वीडियो को ना, तो सच बोलो तो दिल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते ना, आपकी रिक्वेस्ट होती तो हम तो पूरा कर देते, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी, आप पूरा करो आपकी मर्जी। तो चलो इसी हैंकी टकिंग के साथ वीडियो को स्टॉप करते हैं, जो पसंद आएगी तो फ्रेंड्स लोग को लाइक करना और फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और मुझे कॉमेंट में जरूर लिख देना। और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ जो आप सबकी रिक्वेस्ट हो और जिसे मैं कंप्लीट कर पाऊँ, कुछ इसी तरीके से नॉटी भरा मस्ती भरा वीडियो कि हाँ गीला और सूखा, ठीक है। तो चलो ठीक है, और वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, अभी स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग तब तक मेरी वीडियो को वॉच करो और वीडियो को ढेर सारा प्यार दो।
बाय बाय।